दास मुखर्जी की बूढ़ी पत्नी 7 दिनों के ज्वर के बाद चल बसी। बूढ़े मुखर्जी साहब ने धान के कारोबार में खूब धनोपार्जन किया था। उनके 4 बेटे हैं और 3 बेटियां, नाती पोते, दामाद, पड़ोसी, नौकर चाकर, सब में एक धूम सी मच गई। गांव भर के लोग धूमधाम की शव यात्रा देखने के लिए भीड़ जमाने लगे। बेटियों ने रोते रोते माँ के चरणों को अलख निरंजित किया, जिसको मालता कहते हैं, वो लगाया और मांग में सिंदूर का गाढ़ा लेप लगाया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्र से सास के दिन को आच्छादित कर आंचल से उनके चरणों की आखिरी धूल पहुंच डाली। पुष्प, पल्लव, सुगंध, माल्य और कलरव से ये प्रतीत नहीं होता था कि यह शोक समागम, बल्कि लगता यूं था कि बड़े घर की गृहिणी 50 साल बाद फिर एक बार पति के घर जा रही। बूढ़े मुखोपाध्याय शांत खड़े अपनी हमेशा की संगिनी को आखिरी बार विदा कर सबसे छिपाकर 2 बूंद आंसू पोंछ शोकार्त बहु बेटियों को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि से, इसको हिंदी में राम नाम सत्य कहते हैं, बंगाली में थोड़ी बोल कहते हैं, हरिध्वनि कहते हैं, प्रबल हरिध्वनि से सुबह का आकाश आलोड़ित करते हुए पूरा गांव साथ साथ चला। एक और प्राणी ने थोड़ी दूरी रखते हुए इस दल का साथ दिया। वो थी कंगाली की माँ। वो अपनी कुटिया के आंगन में लगे कुछ बैंगन लेकर इस रास्ते हाट की ओर चली थी। ये दृश्य देखकर वहीं रुक गई। उसका हाट जाना धरा रह गया, उसकी पल्लू में बैंगन धरे रह गए। वो आंसू पोंछते पोंछते सबके पीछे श्मशान जा पहुंचे। गांव के एक प्रांत पर गरुड़ नदी के किनारे श्मशान था। वहां पहले से ही चिता के लिए लकड़ी, चंदन के टुकड़े, घी, शहद, धूप, धोनी इत्यादि सामग्रियां जमा की हुई। कंगाली की माँ छोटे जात की मछुए की बेटी होने के कारण नजदीक जाने की हिम्मत न जुटा पाए। दूर एक ऊंचे टीले पर खड़ी पूरी अंत्येष्टि क्रिया शुरू से अंत तक उत्सुक आंखों से देखी। प्रशस्त चिता पर जब शव को स्थापित किया गया तो उसके रंगे पांव देखकर अभागी का मन भर गया। उसका जी चाहा कि लपक कर उस अलग का एक बूंद ले और अपने माथे पर लगा ले। कई कंठों की समवेत हरिध्वनि के बीच जब पुत्र के हाथ से मंत्रपूत अग्नि संयोजित की गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बार बार कहने लगी, भागमती माँ, तुम सर जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मुझे भी इसी तरह कंगाली के हाथ की आग मिले, पुत्र के हाथ की आग मिले। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। पति, पुत्र, कन्या, नाती, पोते, दास, दासी, परिजन, पूरे घर संसार को ये प्लावित करता ये स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलसी उठने लगी। इस सौभाग्य का कोई माँ को नहीं कर पाई। अभी अभी जलाई चिता में से निकलता धुआं नीले रंग की छाया डालता घूमते घूमते आकाश की तरफ उठ रहा था। कंगाली की माँ को इसी में एक छोटे से रथ का आकार स्पष्ट दिखने लगा। उस पर कितने ही चित्र अंकित थे, उसकी चुड़ा पर कितने ही बेल बूटे उकेरे हुए थे। अंदर कोई तो बैठा है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर की रेखा है, दोनों पांव अलग रंजित। ऊपर की ओर टिकी कंगाली की माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी कि तभी एक 14-15 साल का लड़का उसका पल्लू खींचकर बोला, तो यहाँ खड़ी है माँ, भात नहीं बनाएगी? माँ चौंक कर उसकी ओर देखकर बोली, बना लूंगी। अचानक ऊपर की ओर इशारा करती व्याकुल स्वर में बोल उठी, देख देख बेटा, बामन माँ उस रथ पर सवार होकर सर्ग जा रही है। बेटा चकित हो ऊपर की ओर देखकर बोला, कहाँ? पल भर के निरीक्षण के बाद वो अंत में बोला, तो पगला गई है, वो तो धुआं है। फिर नाराजगी जताने लगा, दोपहर हो गई है, मुझे भूख नहीं लगती क्या? फिर उसी पल माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, बामनों की गिन्नी मरी तो तू क्यों रोती है माँ? कंगाली की माँ को अब होश आया। एक पराये के लिए श्मशान में खड़े इस तरह आंसू बहाने पर उसे मन ही मन शर्म आई और फिर बेटे का अपशगुन होने की आशंका से पल भर में आंसू पोंछकर कुछ मुस्कुराने की कोशिश करती बोली, मैं कहाँ रो रही हूँ, आंखों में धुआं लग रहा था बस। धुआं लग रहा था बस, तू रो रही थी? माँ ने और विरोध नहीं किया, बेटे का हाथ पकड़कर घाट को चली, खुद भी नहाई, कंगाली को भी नहलाकर घर लौटी। अंतिम संस्कार का अंत देखना उसे नसीब ना हुआ।
संतान के नामकरण के वक्त माता पिता की मूर्खता देखकर अंतरिक्ष में बैठे विधाता केवल हंसकर संतुष्ट नहीं होते, तीव्र विरोध भी करते हैं। इसलिए ये लोग आजीवन अपने नामों को ठेंगा दिखाते चलते हैं। कंगाली की मां के जीवन का इतिहास छोटा है, पर वो छोटा सा कंगाल जीवन विधाता के इस परिहास से बच गया था। उसे जन्म देकर मां चल बसी थी, बाप ने गुस्से में नाम रख दिया अभागी। मां नहीं थी, बाप मछली पकड़ता फिरता, दिन रात का होश नहीं। फिर भी नन्ही अभागी किस तरह एक दिन कंगाली की मां बनने तक जी गई, ये विस्मय का विषय है। जिसके साथ शादी हुई उसका नाम था रसिक बाग। बाग की दूसरी बाघिन थी, उसे लेकर वो दूसरे गांव चला गया। अभागी अपने फूटे भाव और शिशु पुत्र को लेकर गांव में ही पड़ गई। उसका वो कंगाली आज बड़ा होकर 15 का हो गया है, अभी अभी बेत का काम सीखना शुरू किया है। अभागी को आस लगी है कि अगर साल भर और दुर्भाग्य से लड़ गई तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये दुख क्या होता है, ये जिन्होंने दिया है उनके सिवा और कोई नहीं जानता। कंगाली तालाब से मुंह धोकर लौटा तो क्या देखता है कि उसका बचाया खाना उसकी माँ ने एक मिट्टी के बर्तन में ढककर रखा है। चकित होकर पूछा, तूने खाया नहीं माँ? दिन ढल गया है बेटा, अब और भूख नहीं है। बेटे को विश्वास न हो, बोला, भूख नहीं है, दिखा मुझे मटका। ये बहाना बनाकर कंगाली की माँ ने उसे कई बार धोखा दिया था, इस बार उसने मटके में झांक कर भी दम लिया। उसमें एक और जने के हिस्से का भात बचा था। तब वो मुस्कुराता हुआ माँ की गोद में जा बैठा। उसकी उम्र का कोई लड़का अमूमन ऐसा नहीं करता, लेकिन बचपन से लेकर अब तक कुछ कमजोर होने की वजह से वो माँ की गोद छोड़कर बाहर जाकर दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाया था। यहाँ बैठे बैठे ही उसे खेलकूद की सारी कसर निकालनी पड़ी थी। एक बाँह माँ के गले में डालकर उसने चेहरे पर नजर डालते ही उसके चेहरे पर नजर डालते ही वो चकित होकर बोला, माँ तेरा बदन तो गर्म हो गया है, तो उस तरह धूप में खड़ी मुर्दा जलाना क्यों देख रही थी, फिर नहाने ही क्यों गई, क्या तुझे मुर्दा जलाना? माँ ने हड़बड़ा कर बेटे के मुंह पर हाथ रखकर कहा, छिबिका मुर्दा जलाना नहीं कहते, पाप लगता है, सती माता जी रथ पर सवार होकर सर गई है। लड़के ने संदिग्ध होकर कहा, क्या रट लगा रही है माँ, रथ पर चढ़कर भला कोई सच जाता है क्या? माँ बोली, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कंगाली, बामन माँ रथ पर बैठी थी, उनके नंगे पांव तो सबने आंखें फाड़ कर देखी, सबने देखी, सभी ने देखी। कंगाली माँ की छाती से लगकर बैठा और सोचने लगा। माँ पर विश्वास करना ही उसकी आदत थी, बचपन से उसे ऐसा करने की ही शिक्षा मिली थी। वही माँ जब कह रही थी कि सबने खुली आंखों से इतनी बड़ी घटना देखी थी तो विश्वास न करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कहा, फिर तो माँ तू ही सर जाएगी। बिंदी की माँ उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगले की माँ जैसी सती साध्वी पूरे मछुए मोहल्ले में कोई और नहीं। कंगाली की माँ चुप रही। कंगाली धीरे धीरे बोलता गया, जब बाबा ने तुझे छोड़ दिया तो कितने ही लोगों ने तुझे निकाह के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन तूने कहा नहीं। बोलती, कंगाली बच गया तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर भला मैं निकाह करूँ किस लिए? माँ तू निकाह करती तो मैं कहाँ रहता, मैं तो अब तक भूखा मर चुका होता। माँ ने बेटे को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। दरअसल तब उसके पास ऐसे प्रस्ताव कब नहीं आए थे, और जब वो किसी भी तरह राजी ना हुई तो उसे उत्पात भी कम नहीं सहने पड़े। उन्हें याद कर अभागी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे ने हाथ से आंसू पोंछते हुए कहा, कांथा बिछा दो माँ, लेते ही। माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, कांथा बिछाया, छोटा तकिया उतार कर माँ का हाथ थाम उसे बिछावन की ओर ले जा रहा था कि माँ बोल उठी, कंगाली तू आज काम पर मत जा। नागा करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, पर उसने कहा, फिर तो चाय पानी के 2 पैसे नहीं मिलेंगे माँ। न मिले, आज तुझे कहानी सुनाती हूँ। और ललचाने की जरूरत न पड़ी, कंगाली तुरंत माँ के सीने से लगकर लेट गया और बोला, सुना। अभागी ने राजकुमार, कोतवाल पुत्र और पक्षीराज घोड़े की कहानी से शुरुआत की। ये ट्रेडिशनल फोक टेल्स हैं, सबको पता है। ये लोक कथाएं उसने न जाने कितनी ही बार सुनी और सुनाई थी, लेकिन कुछ ही देर में राजकुमार और कोतवाल पुत्र न जाने कहाँ गायब हो गए। उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जो उसकी सुनी हुई नहीं थी,
जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ता और गर्म खून का बहाव मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता, वैसे वैसे वो कहानियों का इंतजार होती जाती। रुकावट कंगाली का हल्का सा शरीर बार बार रोमांचित होने लगा। डर, विस्मय और आनंद के प्रभाव में वो कसकर अपनी माँ को पकड़ता और उसके सीने में छिप जाना चाहता। बाहर दिन ढल आया, सूरज अस्त हो गया, शाम की मैली छाया और गाढ़ी होकर पूरे संसार पर व्याप्त होने लगी। लेकिन आज घर में दीप नहीं जला, गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य करने को कोई नहीं उठा। केवल गहरे अंधेरे में एक रुग्ण माता की निरंतर गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा वर्षण करती चली गई। वही श्मशान और श्मशान यात्रा की कहानी, वो रथ, वो रंगे पांव, वो उनका स्वर्ग जाना। किस तरह शोकार्त पति ने अंतिम पदधूलि देकर रोते हुए विदाई दी, किस तरह हरिध्वनि करते बेटे माता की अर्थी उठा ले गए, और फिर संतान के हाथ की अग्नि, वो आग आग नहीं है कंगाली, वो तो हरी है, आसमान पर छाता उसका धुआं धुआं नहीं है बेटे, वही तो सर्प का रथ है। कंगाली चरण मेरा बेटा, क्यों माँ, तेरे हाथ की आग मिले बेटा तो वामन माँ की तरह मैं भी सर्प जाऊंगी। कंगाली ने बस हौले से कहा, छी ऐसा नहीं कहते। माँ शायद ये बात सुन भी ना पाई, एक गर्म सांस छोड़कर कहने लगी, फिर कोई नीच जात कहकर नाक नहीं सिकोड़ पाएगा, गरीब कहकर कोई रोक नहीं पाएगा, हाय बेटे की आग की आग, रथ को तो आना ही पड़ेगा। बेटा उसकी ओर देखकर टूटती आवाज में बोला, मत बोल माँ, मत बोल, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ बोली, पर देख कंगाली, तेरे बाबा को पकड़ लाना ताकि वैसे ही पदधूलि देकर मुझे मिटा करे, वैसे ही पाँव में लाली, मांग में सिंदूर डालकर। पर डालेगा कौन, तू डालेगा ना कंगाली, तू ही मेरा बेटा बेटी सब कुछ है। ये कहते कहते उसने अपने बेटे को सीने से लगा। अभागी के जीवन नाट्य का अंतिम अंक समाप्त होने चला है। ये ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही है, अभी 30 साल भी निकले हैं या नहीं क्या पता, और उसका अंत भी हुआ बड़ा ही मामूली सा। गांव में वैद्य नहीं था, दूसरे गांव रहता था। कंगाली उनके पास जाकर रोया, हाथ पांव पड़े, आखिरकार लोटा गिरवी रखकर 1 रुपए की सलामी दी। वो खुद नहीं आए, 2-4 पुड़िया दे दी। कितना ताम झाम लगा उसमें, खल, शहद, अदरक का सद, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की माँ बेटे से नाराजगी जताते हुए बोली, मुझे बिना बताए तुमने लोटा गिरवी क्यों रखा बेटा। उसने हाथ फैलाकर पुड़िया ली और फिर उन्हें माथे से छूकर चूल्हे में झोंक दिया। बोली, ठीक होना हो तो ऐसे ही होंगी, कुर्मी कहारों के घर कभी कोई दवा लेकर नहीं जीता। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। पड़ोसी खबर सुनकर देखने आए, जिसे जो टोटके मालूम थे, किरण की सींग पे मला हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद लगाकर चटवाना इत्यादि पक्के इलाजों का ब्यौरा देकर सभी अपने रास्ते चले गए। बालक कंगाली घबरा उठा। माँ ने उसे पास बुलाकर कहा, वैद्य की पुड़ियों से जब कोई असर ना हुआ बेटा तो इनके इलाजों से क्या खाक होगा, मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगी। कंगाली रो पड़ा, पुड़िया तो तूने खाई नहीं माँ, फेंक दी, ऐसे भी कोई ठीक होता है क्या, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, अब तू जरा चावल चढ़ाकर खा ले, मैं देखूं। कंगाली अनभ्यस्त हाथों से पहली बार भात बनाने चला, न तो वो ठीक से मांड निकाल पाया और न ही ढंग से परोस सका। चूल्हा उससे नहीं जलता, उसमें पानी गिरने से धुआं निकलता, भात परोसते वक्त चारों ओर गिर जाता। माँ की आंखें छलछला उठती, खुद एक बार उठने की कोशिश की लेकिन सिर ना उठा पाई, बिस्तर पर लौट गई। खाना हो जाने पर बेटे को पास बुलाकर किस तरह क्या करना है ये समझाने लगी, लेकिन उसकी धीमी आवाज बीच में ही रुक गई, बस आंखों से जल की अविरल धारा बहती गई। गांव का ईश्वर नाई नब्ज पढ़ना जानता था। अगले दिन सुबह उसने हाथ देखकर अभागी के सामने ही मुख गंभीर किया और एक गहरी सांस छोड़ी, अंत में सिर हिलाकर वहां से उठ गया। कंगाली की माँ इसका मतलब समझ गई, पर उसे डर ही ना हुआ। सबके चले जाने के बाद उसने बेटे से कहा, अब एक बार उसे बुलाकर लाएगा बेटा। किसे माँ? वही जो दूसरे गांव चला गया है। कंगाली की समझ में आई, उसने पूछा, बाबा? अभागी चुप बैठी। कंगाली बोला, वो भला क्यों आएगा माँ? अभागी स्वयं भी इस विषय में संदिग्ध थी, फिर भी धीरे धीरे बोली, जाकर कहना
माँ बस तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है। वो तभी उठकर जाने लगा तो अभागी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा रो धो कर कहना बेटा, कहना माँ जा रही है। फिर खुद रुक कर बोली, लौटते वक्त नाइन भाभी से थोड़ा सा आलता मांग लाना कंगन है, मेरा नाम सुनकर वो दे देगी, मुझे बड़ा प्यार करती है। प्यार तो उससे बहुत से लोग करते थे। जब से बुखार आया उसने अपनी माँ से कुछ चीजों का जिक्र इतनी बार इतने लहजों में सुना था। वो वहां से रुकता हुआ निकल पड़ा। अगले दिन रसिक मछुआ जब पहुंचा तो अभागी लगभग होश में न थी। चेहरे पर मृत्यु की छाया थी। उसके आंखों की रोशनी इस संसार का काम खत्म कर किसी दूर देश को चली गई थी। कंगाली रोकर बोला, माँ बाबा आए हैं, चरणों की धूल नहीं दोगी? माँ शायद समझी शायद नहीं समझी, शायद संस्कार की तरह जमी हुई उसकी मनोकामना ने उसकी आच्छन चेतना पर आघात किया। मृत्युपथ यात्री ने अपनी अवश भुजा बिस्तर के बाहर निकालकर हाथ फैलाए। रसिक बुद्धिहीनों की तरह खड़ा रहा। इस दुनिया में किसी को उसकी पदधूलि की आवश्यकता है, ये भी कोई मांग सकता है? ये उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी थी, बोली, दो बेटा जरा सी चरण धूल दे दो। रसिक आगे बढ़ा। जीवन भर उसने जिस पत्नी से प्रेम नहीं किया, जिसे रोटी कपड़ा नहीं दिया, जिसकी कोई खबर नहीं ली, मरते वक्त उसे थोड़ी सी पदधूली देते वो रो पड़ा। राखाल की माँ बोली, ऐसी सती साध्वी किसी बामन कायक के घर ना होकर हम मछुओं के घर क्यों आए? उसका कल्याण कर दो बेटा, कंगले के हाथ की आग के लोग में ही वो प्राण दे रही है। अभागी के दुर्भाग्य देवता ने छिपे बैठे क्या सोचा ये तो नहीं पता, लेकिन बालक कंगाली के मन में ये बात तीर सी लगी। वो दिन बीत गया, रात का पहला पहर भी बीत गया, लेकिन कंगाली की माँ भोर तक इंतजार न कर पाई। क्या पता इतनी छोटी जात के लिए स्वर्ग के रथ का आयोजन होगा या नहीं, या फिर उन्हें अंधेरे में पैदल ही रवाना होना पड़ता है। लेकिन इतना साफ था कि रात बीतने से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कुटीर प्रांगण में बेल का एक पेड़ था। रसिक ने कुल्हाड़ी उस पर मारी ही थी कि जमींदार का द्वारपाल कहीं से भागता हुआ आया और उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। कुल्हाड़ी छीन कर कहने लगा, साले इधर बाप का पेड़ है जो काटने आया है। रसिक गाल सहलाने लगा। कंगाली ने रोनी आवाज में कहा, क्यों? ये तो मेरी माँ के हाथों लगाया हुआ पेड़ है दरबान जी, तुमने खाऊ का बाबा को क्यों मारा? हिंदुस्तानी द्वारपाल उसे एक जबरदस्त गाली देकर मारने को आया, पर चूंकि वो अपनी माँ का शव छू चुका था, दरबान ने छूट के डर से उसे हाथ न लगाया। शोर शराबे के बीच भीड़ जमा हो गई। सबने माना कि बिना अनुमति के पेड़ काटकर रसिक ने ठीक नहीं किया। फिर वही दरबान जी के हाथ पांव पकड़कर कहने लगे कि वे कृपा करके अनुमति दे दे, क्योंकि बीमारी के समय जो कोई भी देखने आया था उसी के हाथ पकड़कर कंगाली की माँ ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। दरबान मानने वाला न था। उसने स्पष्ट कर दिया कि यह सब चालाकी उसके साथ नहीं चलेगी। जमींदार यहाँ के नहीं है, गांव में उनकी एक कचहरी है जिसके मुखिया गुमस्ता अधर राय है। जब सभी लोग हिंदुस्तानी के आगे व्यर्थ प्रार्थनाएं कर रहे थे, कंगाली तेजी से भागता हुआ कचहरी जा पहुंचा। उसने लोगों से सुना था प्यादे घूस लेते हैं। उसे विश्वास था कि इतने बड़े अन्याय आचरण की बात अगर मुखिया के कानों पहुंची तो इसका प्रतिविधान जरूर किया जाएगा। हाय बेचारा अनजान, बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वो जानता कहाँ था। अभी अभी मातृहीन हुआ बालक शोक और उत्तेजना के वश में एकदम ऊपर तक आ गया। अधर राय उसी समय पूजा और हल्का नाश्ता कर बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन है वे? मैं कंगाली, दरबान जी ने मेरे बाबा को मारा। अच्छा क्या, हरमजादे ने खजना नहीं दिया क्या? धान का जो थोड़ा सा हिस्सा आप जमींदार को देते हैं उसको खजना नहीं देते। कंगाली बोला, नहीं बाबू साहब, पेड़ काट रहा था, मेरी माँ मरी है। कहते कहते वो अपने आंसू न रोक सका। सुबह सुबह ये रोना रोना देखकर अधर चिढ़ उठे, छोकरा मुर्दा छूकर आया है, क्या पता यहाँ का कुछ छू लिया या नहीं। हटकार कर बोले, माँ मरिया तो नीचे जाकर खड़ा है, अरे कोई है यहाँ? गोबर का पानी छिड़क कर जाओ, कौन जाता है तू? कंगाली डरता हुआ आंगन में उतर कर बोला, हाँ हाँ मछुए है। अधर बोले, मछुए? मछुओं के मुर्दे को लकड़ी से क्या मतलब? कंगाली बोला, माँ तो मुझे आग देने को कह गई है, तुम पूछकर देखो बाबू साहब, माँ सबसे बोल गई है, सब भी ने सुना है।
माँ की बात करते करते उसकी सारी मिन्नतें याद आने लगी और उसका गला भर आया। अदर बोले, माँ को जलाना है तो पेड़ के लिए 5 रुपए ले आ, ला पाएगा? कंगाली जानता था यह असंभव। उसका भात खाने का जो पीतल का थाल था वो बिंदी की बुआ बंधक रखने गई थी ताकि 1 रुपया लगाकर उसके लिए उत्तरीय खरीदा जा सके जब वो मुर्दा चलाएगा तब के लिए। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने एक विकृत मुखभंगिमा के साथ कहा, नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के किनारे गाड़ दे, जाने किसके बाप के पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहा था तेरा बाप, शैतान हरामखोर बदमाश कहीं का। कंगाली बोला, पर वो तो हमारे आंगन का पेड़ है बाबू साहब, वो तो मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से लगाया था, खुद अपने हाथों से लगाया था। पाड़े, साले को धक्के मार कर निकालो। पाड़े ने आकर धक्का मारा और ऐसे शब्द बोले जो केवल जमींदार के कर्मचारी ही बोल सकते। कंगाली ने अपने पर से धूल साफ किया और धीरे धीरे निकल गया। उसने क्यों मार खाई, उसका अपराध क्या था, लड़का कुछ भी समझ न सका। गुमस्ते के कठोर हृदय पे कोई असर ना हो, होता तो ये नौकरी उसे ना मिलती। बोले, परेश देखो तो भाई, साले का खाजना तो बाकी नहीं है, अगर है तो जाल वाल लेकर रख देना, हरामजादा भाग सकता है। उधर मुखर्जी घराने में एक दिन बाद श्राद्ध था। समारोह का आयोजन गृहिणी की शान के उपयुक्त किया गया है। बूढ़े ठाकुरदास खुद ब्योरा लेते फिर रहे थे। कंगाली आकर उनके सामने खड़ा हुआ, बोला, ठाकुर साहब मेरी माँ मर गई है। तू कौन है, क्या चाहिए? मैं कंगाली, माँ कह गई है कि मैं उन्हें आग दूं। तो जा दे। कचहरी की बात इसी बीच सबको पता लग गई। एक ने कहा, लगता है वो पेट ढूंढ रहा है। इतना कहकर उसने पूरी कहानी सुनाई। मुखर्जी चकित हुए और चिढ़ गए, बोले, शौक तो देखो, मुझे ही इतनी सारी लकड़ी चाहिए, परसों का काम है, जैसा ये यहाँ कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं। ये कहकर वहां से चले गए। भट्टाचार्य साहब पास बैठे फहरिस्त बना रहे थे, पुरोहित होते भट्टाचार्य। बोले, तेरी जात के लोग कब से जलाने लगे, जा मुंह में थोड़ा सा पत्थर जलाकर नदी के पास गाड़ दे, जा। मुखर्जी साहब के बड़े बेटे हड़बड़ाते हुए इस रास्ते गुजर रहे थे, कान खड़े कर कुछ सुन लिए और बोले, देखते हैं बच्चा बाबू, सब साल बामन कायद बनने चले हैं, कहकर अपनी व्यस्तता में कहीं और चल दिए। कंगाली ने और प्रार्थना नहीं की। पिछले 2-1 घंटे के अनुभवों से वो संसार के सलीकों में सयाना हो गया था। धीरे धीरे चुपचाप अपनी मरी माँ के पास जा पहुंचा। नदी किनारे गड्ढा खोदकर अभागी को लिटाया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में पुआल का एक जलता हुआ तिनका दिया और उसका हाथ पकड़कर उसकी माँ के मुंह से उसे छुआकर फेंक दिया। फिर सबने मिलकर मिट्टी डालकर कंगाली की माँ की आखिरी निशानी विलुप्त कर दी। सभी अपने काम में व्यस्त हो गए, बस उस जले हुए पुआल के तिनके से जो थोड़ा सा धुआं घूम घूम कर आकाश की ओर उठ रहा था, उसी की तरफ निष्फलक नेत्रों से ऊपर देखता हुआ कंगाली निस्तब्ध